कहीं नहीं जाएंगे बाबा, आप यहीं रहेंगे। कहीं नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे बाबा, आप यहीं रहेंगे। अच्छा, नहीं तरफ क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है आपको, कोई बात हुई? नहीं बोली। आधी नहीं, आधी नहीं, आधी, आधी। बाबा साहब थोड़े फ्रूट्स खा लीजिए। चलो दो। बाबा नहीं। आधी, व्हाट इज दिस? ये कब ठीक होंगे? नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे 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 भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं जाएंगे आप, कहीं नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे बाबा। निशा, निशा, क्या किया तुमने बाबा के साथ? इतने डरे हुए क्यों हो? कुछ तो बुरा हुआ है उनके साथ, और इस घर में बुरा करने वाली सिर्फ तुम हो। क्या किया तुमने? मानादी, that's not fair. Please ऐसे मत करो. Don't do this. You know, मुझे इतना पेन होता है, इतना हर्ट फील होता है जब तुम ऐसी बातें करते हो। आदि, मेरे इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं। मैं बहुत ही पीस लविंग और सेंसिबल इंसान हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ। तुम इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो मुझसे कि तुम्हें हर जगह मैं ही दिखाई देती हूँ? आदि, सीरियसली, मैं तो बहुत टेंस हूँ बाबा के लिए और तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ तुम उनसे कितना क्लोज हो, और बाबा की हालत अब बिगड़ती जा रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन आएगा जब बाबा साहब सब भूल जाएंगे। वो दिन कितना सैड होगा जब वो बोलेंगे, आदि कौन आदि? सीरियसली, मैं तुम दोनों का दर्द समझ सकती हूँ, बट यू नो व्हाट, मुझे तुमसे एक बात करनी है। सुनो, मेरी बात सुनो। स्टे वे। आदि, चीनी बीनी के बारे में सोचो। नॉर्मली जब किसी के साथ ऐसा होता है तो उनका बिहेवियर बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। ऐसे में बाबा साहब चीनी पीने के लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं, और ऐसे में मुझे लगता है कि हमें बाबा साहब को ओल्ड एज होम भेज देना चाहिए। Stop this nonsense. जो बात मैं सोच भी नहीं सकता, तुम कितनी आसानी से बोल देती हो, जैसे कुछ हुआ नहीं हो। He is my father and I love him. मेरे सामने बकवास मत किया करो। देखो आदि, मैं सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। निशा, आज मेरे बाबा की जो हालत है, अगर कल तुम्हारी वही हालत हुई तो? आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए, और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। Thank you.
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई, तुम्हारा नाक नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं, अभी